हेलो और नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। आजकल जब हम तेलुगु सिनेमा की बात करते हैं तो जहन में तुरंत बाहुबली, पुष्पा, KGF और RRR जैसी सुपरहिट फिल्में कौनती हैं। तेलुगु सिनेमा की लोकप्रियता का आलम यह है कि 2022 में टॉलीवुड ने बॉलीवुड से भी ज्यादा कारोबार करके दुनिया भर में मशहूर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी तेलुगु फिल्म की जिसे बनाया था एक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और निर्देशक गुड़ावल्ली राम ब्रह्मम ने, प्रोड्यूस किया था दक्षिण के एक महत्वपूर्ण जमींदार चल्लापल्ली महाराज ने, और फिल्म आधारित थी जमींदारी प्रथा के विरोध में उठते किसानों के हालात पर। फिल्म का नाम है रईतु बिंदा। 1939 में बनाई गई इस फिल्म के निर्देशक गुड़ावल्ली राम ब्रह्मम एक दिलचस्प शख्सियत थे। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक कथानक पर अनेक फिल्में बनाई जिनमें प्रमुख है रईतु बिंदा। रईतु बिंदा का अर्थ होता है मिट्टी का लाल यानी किसान। लोकप्रिय थिएटर कलाकार बल्लरी राघवय्याचारी ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई नरसी रेड्डी नाम के किसान की। फिल्म की कहानी नागपुरम गांव में किसानों के दो गुटों के इर्द गिर्द घूमती है। रमी रेड्डी आम किसान के गुट का नेता है और वेंकैया जमींदारों का प्रतिनिधि है। गाँव के कुछ अन्य अमीर लोग भी जमींदारों का ही समर्थन करते हैं और गरीब किसानों को परेशान करते रहते हैं। इन्हीं किसानों में से एक है नरसी रेड्डी। जब नरसी बहुत मुखर तरीके से जमींदारों का विरोध करता है तो उस पर दबाव डाला जाता है कि वह जमींदारों के खिलाफ कुछ ना बोले और अपना कर्जा जल्दी वापस करे। लेकिन किसी भी तरह का दबाव नरसी के विरोध को रोक नहीं पाता तो जमींदार और साहूकार मिलकर उसकी बेटी की शादी तुड़वा देते हैं। नरसी के परिवार को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चुनाव के दौरान जमींदार एक नाटक का मंचन करवाता है और गांव के किसानों को हॉल में ही बंद करवा देता है ताकि वे मतदान बूथ तक जा ही ना पाएं। लेकिन किसान हार नहीं मानते और हॉल का ताला तोड़कर वोट देने जाते हैं। किसानों की जीत होती है लेकिन जमींदार और साहूकार उन्हें प्रताड़ित करने से बाज नहीं आते। इसी के चलते नरसी का बेटा दम तोड़ देता है। नरसी की पाई पाई छीन ली जाती है। उसी वक्त गांव में बाढ़ आती है और साहूकार की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तब कहीं जाकर साहूकार और जमींदार की आंखें खुलती हैं और वे किसानों का हाथ थाम लेते हैं। नफरत, अमीर गरीब का भेदभाव हार जाता है, मोहब्बत, शांति और भाईचारे की जीत होती है। हालांकि जमींदारी प्रथा के खिलाफ बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद एक नामी गिरामी जमींदार थे, लेकिन दक्षिण के जमींदारों को यह फिल्म फूटी आंख नहीं भाई। उन्होंने इस फिल्म का पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने तो कई इलाकों में फिल्म के प्रिंट तक जला डाले। बोबिली और वेंकटगिरी राजघरानों ने प्रोड्यूसर पर मुकदमा करने की धमकी तक दे डाली। नतीजा ये हुआ कि जमींदारों के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी जिसे बैन किया गया। बाद में आजाद भारत में इसे वर्ष 1948 में एक बार फिर रिलीज किया गया। गुड़ावल्ली राम ब्रह्मम इस मायने में एक विजनरी निर्देशक थे कि उन्होंने न सिर्फ इस फिल्म के जरिए किसानों की समस्याओं को हाईलाइट किया बल्कि इन समस्याओं के संभावित हल और निदान पर भी चर्चा की। उस समय यह फिल्म जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक सशक्त स्टेटमेंट थी। आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। यह आदर्शवादी प्रतीत हो सकती है लेकिन उन आदर्शों के प्रति प्रयासरत होने से समस्याओं के हल भी मिल सकते हैं। शायद यही वजह थी कि निर्देशक राम ब्रह्मम ने इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने मालापिल्ला की सफलता के बाद एक ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसी बीच उन्होंने कंपोजिट मद्रास राज्य का दौरा किया। वहां के किसानों की दुर्दशा देखकर वे इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने रईतु बिंदा बनाने का निश्चय किया। फिल्म पर तेलुगु सुधारवादी विचारक कंदकूरी वीरसेलिंगम, कविराज रामास्वामी चौधरी और महात्मा गांधी की विचारधारा और आदर्शों का असर साफ झलकता है। फिल्म में किसान सभा के कार्यकर्ता एन वेंकटरामा नायडू के अनेक क्रांतिकारी गीतों का भी इस्तेमाल किया गया। रईतु बिंदा इस बात का सबूत है कि कलाकार, साहित्यकार और बुद्धिजीवी एक समाज की रग, उसकी आत्मा को पहचानते हैं और तमाम राजनीतिक या आर्थिक दबावों के बावजूद वे अपने समाज के विकारों और कमजोरियों को अभिव्यक्त करने में हिचकिचाते नहीं। आज रईतु बिंदा को भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली शास्त्रीय फिल्म के रूप में माना जाता है और निर्देशक राम ब्रह्मम को एक विजनरी फिल्मकार के तौर पर।